वीडियो पूरी देखिएगा, एक कमेंट कीजिएगा, और वीडियो के एंड में जो न्यू यूट्यूबर है उनके लिए कुछ मौका है, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना और कमेंट जरूर करना, बहुत अच्छा लगेगा। हेलो, ओ अब चलते हैं, बैठते हैं। हाँ, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद मिल रहे हैं आप लोगों से। आप लोगों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक स्टोरी है। तो क्या सुनना चाहेंगे? पहले गुड न्यूज़ सुनाते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि मेरा माइक ऑर्डर हो गया और इस संडे तक यानी कि 14 तारीख तक वो आ जाएगा। और दूसरा एक स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों को अभी सुनाने वाला हूँ। तो ये स्टोरी है 7 जून की। 7 जून को ये मेरा रूम जो है वो फिनिश हो गया था और मेरे यहाँ एक पूजा होने वाला था। मैं सुबह लगभग 4:30 बजे उठ गया था और सबसे पहले इसे सेवा देना था। चल चल, सबसे पहले तुम ही खोले चलते हैं। चलो चल। ओए 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 ओए, आराम से आराम से। चलो, अभी सुबह के 4:45 हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा सा सीन बन रहा है, यानी कि मून का पूरा पीला जैसा मून लग रहा है। तो वो मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मुझे फूल तोड़ने जाना है और उसके बाद चलेंगे। अगर बात करें तो मैं उसके बाद गया था दादी को घर से लाने के लिए। फिर उसके बाद वहाँ से जब आया तो मैं गया था मौसी को लाने के लिए। तो इस तरह सुबह के 9:30 लगभग बज चुके थे और उसके बाद हुई पूजा शुरू। फूल तोड़ने के बाद मैं डायरेक्ट आ गया, मतलब स्कूटी उठाया और डायरेक्ट निकल गया दादी को लाने के लिए। तो ऐसा रोड देख के मतलब अंदर से एक अजीब सा चुल, मतलब अंदर से चुल लगता है। 80-90 इतना चलता है इस रोड पे, पर फिर कुछ लोगों का ध्यान आ जाता है तो गाड़ी को स्लो करना पड़ता है कुछ लोग। तो दादी को लेते आए हैं और अभी जा रहे हैं मौसी को लाने के लिए। तो अभी टोटो से जाएंगे, चलते हैं। के बीच एक कॉमेडी सीन बन गया था जब पूजा के बाद सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। मतलब कुछ लोग बैठ के जब खाना खा रहे थे तो हुआ क्या कि जब वो मतलब खाने बैठे तो वहाँ मतलब बादल था और बादल के कारण वहाँ पे छांव था, तो वो लोग तो बैठ गए। पर जब वो खाना शुरू किए तो गजब वाला सीन बन गया। मतलब जहाँ तक वो बैठे थे वहाँ तक धूप आ गया और उसके बाद बिल्डिंग का छाया था। तो वो देख के क्या मस्त हंसी आया, उसका क्लिप मैंने बनाया, वो आप देखो, आपको भी देख के हंसी आएगा। बताइए, ये लोग धूप में आ गया, जब तक छांव था उतना सा बचा हुआ था। तो ये तो हुई पूजा की बातें, पर अब मेन है कि ये जो रूम है इसमें जैसे ये स्टिकर लगा है तो इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ी, वो सब मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को ये सब कुछ दिखाने वाला हूँ, सब कुछ के बारे में बताने वाला हूँ। तो बैक कैमरा ऑन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको सब कुछ दिखाते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो यहाँ पर से जैसे ही इंटर करते हैं आपको सामने एक स्टिकर दिखता है और इस तरफ भी एक स्टिकर दिखता है। तो इसके बारे में मैं बताऊँ तो ये मेरे को पड़ा था कुल 350 डिलीवरी चार्ज लगा के।
ये वाला एक स्टिकर है और एक स्टिकर है ये वाला, जैसा यहाँ पे देख सकते हो ये वाला है। इसे लगाने में भाई बहुत मेहनत लगा था। उसके बाद इधर चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो एक मतलब विंडो है और गेट है, विंडो गेट है। इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते बाहर, एक छोटा सा गली टाइप से तो उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसलिए ये बंद रहता है, बीच बीच में कभी कभी खोलते हैं। और यहाँ पर देख रहे हो ये मेरे दो जानू शानू जो भी बोलिए, तो ये हैं। और इसे जहाँ से मैंने देख के बनाया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग भी देख के बना सकते हो। तो जब मैं शूट करता हूँ तो इसमें दोनों लाइट, इसमें दोनों में लाइट लगा देता हूँ। और यहाँ पे जो ये वाली लाइट देख रहे हो, यहाँ पे एक टी बल्ब लगा देते हैं और ये दोनों लाइट इसमें लगा देते हैं, तो शूट करने टाइम सही रहता है, फेस पे लाइट वगैरह आता है। फिर उसके बाद इधर देखते हैं तो यहाँ पर एक घड़ी है जो कि सही है, रूम में घड़ी भी तो होना चाहिए। फिर उसके बाद इधर बढ़ते हैं, यहाँ पे मेरा लगा हुआ है बेड जो कि थोड़ा अस्त व्यस्त है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पर लगा हुआ है पंखा, ये पंखा लगा हुआ है इस बोर्ड से, इसको अभी लॉकडाउन पीरियड में जुगाड़ से हम खुद बनाए हैं। और जब ये लॉकडाउन मतलब पूरी तरह से खुल जाएगा तो कोई अंकल आएंगे और इसको सही कर देंगे। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह यहाँ पर से मेन लगा हुआ है। और ये वाला है उस बल्ब के लिए, जैसे ही मैं इसे खोलता हूँ वो बल्ब हो गया बंद, इसको लगा दिया था बल्ब, चालू हो गया। अब इधर देखते हैं तो यहाँ पर है मेरा टेबल और चेयर जिस पे बैठ के थोड़ी बहुत स्टडी होती है, हाँ थोड़ी बहुत ही होती है। और यहाँ पर है एक छोटा सा प्यारा सा पेन स्टैंड जो अंकिता दी थी हमको, मेरी क्लासमेट है। और यहाँ पे रखा हुआ है मेरा ट्रैपॉड जिस पे वीडियो वगैरह शूट होता है, जैसे कुछ सीनरी वगैरह या फिर टेक वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए ये सही है। फिर इधर रखा हुआ है डिसेक्शन बॉक्स और मेरे जो भी एसेसरीज हैं, हेडफोन चार्जर वगैरह वो सब। फिर इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पर है बुक्स, वो जनरल बुक्स है कुछ से कुछ थोड़ा बहुत जो था। फिर यहाँ पे देख सकते हो 9-10 का साइंस बुक है, ये पूरा का पूरा 11 का साइंस बुक है और इधर 12 का साइंस बुक है। मेरी बहन 12 में है तो थोड़े बुक्स उसके पास हैं इसलिए यहाँ पे कम है। फिर नीचे देखते हैं तो 7, 8, 6 सबके बुक हैं और मेरे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह हैं। और इधर देखते हैं यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव सब रखा हुआ है जो कि जैसे यहाँ देख सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ, मेरा एक और चैनल है झाजी का चैनल जिसपे अब टेक वीडियोस वगैरह आती है, तो वहाँ पर अगर आप न्यू यूट्यूबर हो, क्योंकि मैं साल भर 1.5 साल से यूट्यूब पर हूँ तो मुझे बहुत कुछ पता चल गया कि कैसे होता है नहीं होता है, तो आपको बहुत मदद मिल सकती है। आप चाहो तो चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, काफ़ी सही चैनल, जाके एक बार विजिट करो अच्छा लगेगा। और उस पर सोच रहे हैं कि आपका चैनल वगैरह चेक कर सकते हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आप सही जा रहे हो, वो सब कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाओ, कोई भी वीडियो देखो, उस पर कमेंट करो कि प्लीज़ चेक माई चैनल, हैशटैग आपका जो भी चैनल है नाम है वो आप लगा दो, काफ़ी सही है। और बाकी फ़िलहाल तो यही है। यही था मेरा एक छोटा सा रूम और मैंने सोचा कि या तो यहाँ पर इस जगह पे खड़ा होकर मैं वीडियो वगैरह शूट करूँगा, और इधर जो टेबल देख रहे हैं इधर कहीं अगर लैपटॉप वगैरह लगाना पड़ा, वैसे लैपटॉप मैं ज़्यादा यूज करता नहीं, फ़ोन से ही मेरा सारा काम हो जाता है, तो अगर लैपटॉप लगाना पड़ा तो वहाँ पर लगाने के लिए काफ़ी सही है, चार्जिंग बोर्ड वगैरह सब यहाँ पर लगा हुआ है। तो यही था एक छोटा सा रूम टूर, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने फैम यार, अपने फैमिली, सारे सब्सक्राइबर अपने फैमिली हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्या बोलूँ, कुछ अलग नहीं है, सब एक साथ है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करने का मन होगा तो कर देना।